नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं पार्ट बी. देखिए 3/7 इनटू 28/15 डिवाइडेड बाय 14/5 है. ठीक, देखिए इसको कैसे करेंगे. सबसे पहले 3/7 और 28/15, ठीक, इसको आपको ऐसे ब्रैकेट में लेना है. मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले कर लो, जो रिजल्ट आएगा उसमें हम डिवाइड लगाएंगे 14/5 का. ठीक, इसके रिजल्ट में डिवाइड लगाएंगे 14/5 का. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए. सो यहाँ से हो जाएगा 3/7 इंटू 28/15, ठीक है, नाउ डिवाइडेड बाय 14/5. तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लो. देखो 7 1 7, 7 4 28, 3 1 3 होता है, 3 5 15, यहाँ बच गया 1/1. सो 1/1 इंटू, यहाँ पे देखिए 4/5, ओके, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 14/5. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. 1 × 4 4, सो 1 4 4 बाय 1 × 5 5, ओके, डिवाइडेड बाय कितना है 14/5 14/5. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान दें, ये वाले ब्रैकेट को आप हटा सकते हो आप, ठीक है ना. तो यहाँ से आ जाएगा 4/5 डिवाइडेड बाय 14/5. अब ध्यान दें बच्चे सभी, देखिए अब आपको समझ में आया क्या चल रहा था. ये जो क्वांटिटी है इसका जो मल्टीप्लीकेशन है कितना आ गया 4/5, और इसके मल्टीप्लीकेशन के रिजल्ट में हमें डिवाइड लगाना है 14/5 का. ओके, अब देखिए डिवाइड कैसे लगाते हैं. ये 4/5 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, और ये जो डिवाइड का साइन है इसको हटा के हम क्रॉस लगाते हैं. ठीक, सुन लो ध्यान से, जब भी डिवीजन होगा टू रैशनल नंबर्स का तो फर्स्ट रैशनल नंबर को ऐसे ही लिखते हैं, फिर डिवाइड को हटा के हम क्रॉस यानी कि मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, और जो सेकंड नंबर होता है सेकंड रैशनल नंबर इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो 14/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/14, 5 ऊपर चला जाएगा 14 नीचे. ठीक, 5 न्यूमरेटर में और 14 डिनोमिनेटर में. चलिए 5 1 5 5 1 5, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 2 4 और 2 7 14. ठीक, अब देखिए ये बच गया 2/1 इंटू, ये बच गया 1/7. नाउ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. 2 × 1 2 1 × 7 7, सो द आंसर इज 2/7. यही आपका फाइनल आंसर है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लेके आओगे आप. क्यों सर? क्योंकि बच्चों देखिए न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है. ठीक, तो न्यूमरेटर अगर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता तब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आते. ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए.